नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मेरे वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेंडिंग केवाईसी जो है वो एम्प्लॉयर की तरफ से अप्रूव क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ये जो सवाल है मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस के नीचे कमेंट करके पूछे है कि हमारा जो केवाईसी है वो हमारी तरफ से अपडेट कर दिया गया है पर एम्प्लॉयर की तरफ से अभी भी वो अप्रूव नहीं हुआ है, तो इसका रीज़न क्या है? किसी का पैन वेरीफाई नहीं हुआ है, किसी का जो है वो आधार का केवाईसी है वो नहीं हो रहा है, जो अपडेट करके रखा है वो अभी तक अप्रूव नहीं हो रहा है, तो इसका रीज़न क्या है? तो इसके जो रीज़न वगैरह है तो वही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और थोड़ा बहुत सॉल्यूशन जो है तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि अगर आपका पेंडिंग केवाईसी है तो कुछ चीज़ें करके जो है वो आपका जो पेंडिंग केवाईसी है वो अप्रूव भी करवा सकते हैं आपके एम्प्लॉयर के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते और देखते हैं कि ये जो रीज़न है वो क्या है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं हूँ योगेश और अभी देखते हैं कि ये जो पेंडिंग केवाईसी है उसके रीज़न क्या है। तो इसका पहला वाला जो रीज़न हो सकता है दोस्तों वो है आपका जो एम्प्लॉयर है उन्होंने उनका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो अभी भी पीएफ के पोर्टल पे जो है वो रजिस्टर नहीं करवाया है और उस डिजिटल सिग्नेचर को जो है वो फील्ड ऑफिस की तरफ से अप्रूव नहीं किया है। तो ये जो है वो बहुत सारे एम्प्लॉयर का इश्यू है कि उन्होंने जो है वो उनका डिजिटल सिग्नेचर जो है अभी भी पीएफ के ऑफिस से रजिस्टर नहीं करवाया और उसे अप्रूव भी नहीं करवाया है। तो इसकी वजह से फ्यूचर में उन लोगों को भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो जो एम्प्लॉयर है वो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने आपका डिजिटल सिग्नेचर अभी भी पीएफ के पोर्टल पे अगर रजिस्टर करवाया नहीं है और उसे अप्रूव नहीं करवाया है तो फ्यूचर में जो चलन वगैरह है तो वो भी सब डिजिटल सिग्नेचर की वजह से ही अप्रूव होने वाले हैं। तो आप जो है आपका डिजिटल सिग्नेचर अभी रजिस्टर करके उसको फील्ड ऑफिस से अप्रूव करवा ले। अगर ये वीडियो एम्प्लॉयज़ देख रहे हैं तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि उनका जो एम्प्लॉयर है उनके साथ आप जो ये वीडियो है वो शेयर करें। तो इसके लिए पहले से ही मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखा है जिसमें मैंने बताया है कि पीएफ के पोर्टल पे हम डिजिटल सिग्नेचर जो है वो कैसे रजिस्टर करें और उसके बाद हम फील्ड ऑफिस से उसका जो अप्रूवल है वो कैसे लें। तो इसके लिए ये जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देकर रखा है और यहाँ पे जो आप आए आ रहा है तो वहाँ पे भी ये वीडियो का लिंक है। तो आप इस वीडियो को आपके एम्प्लॉयर के साथ या फिर आपके एचआर के साथ या फिर आपके कंपनी के बिहाफ में कोई कंसल्टेंट अगर ये सब एक्टिविटीज़ करता है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि जो आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है आपके पीएफ से रिलेटेड कंसर्न 18% का तो वो रजिस्टर करवाए और जो है वो पेंडिंग केवाईसी अप्रूव करवाए। तो चलिए अभी दूसरा जो रीज़न है वो देख लेते हैं। तो दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है उन्होंने डिजिटल सिग्नेचर जो है वो पहले से ही रजिस्टर करवा के रखा है और उसे फील्ड ऑफिस से अप्रूव भी करवा के रखा है, पर शायद किसी एम्प्लॉयर को पता नहीं रहता कि जो डिजिटल सिग्नेचर है उसका यूज़ करके जो वो पेंडिंग केवाईसी जो है वो कैसे अप्रूव करे। एम्प्लॉयर के लॉगिन में कहाँ पे जाकर हमें पेंडिंग केवाईसी जो है वो कहाँ पे जाकर अप्रूव करवाना है, तो इसके लिए भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो पहले से ही बना के रखा है। तो ये आपके एम्प्लॉयर के साथ या फिर कंसल्टेंट के साथ शेयर करके उन लोगों को बता सकते हैं कि इस स्टेप को फॉलो करके पेंडिंग केवाईसी जो है वो अप्रूव की जा सकती है। तो उसके लिए मैंने ये जो आए है वहाँ पे ये वीडियो दे के रखा है या फिर इसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया है। तो आप ये जो वीडियो है उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और फिर उनका जो है वो पेंडिंग केवाईसी शायद अप्रूव भी हो जाएगा जल्दी से जल्दी। तीसरा रीज़न ये हो सकता है दोस्तों कि आपका जो एम्प्लॉयर है उन्होंने उनका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो पहले से रजिस्टर करके रखा है और उनको ये भी पता है कि डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करके जो वो केवाईसी कैसे अप्रूव की जाती है, पर जो है वो किसी पर्सनल रीज़न की वजह से जो है वो आपका जो केवाईसी है वो अप्रूव नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने बिना बताए कंपनी छोड़ दी है, उस रीज़न की वजह से आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपकी केवाईसी अप्रूव नहीं कर रहा है। तो आप जो है वो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनका जो केवाईसी है वो जल्दी से जल्दी अप्रूव करवाए। दूसरी केस ये हो सकती है कि आपकी जो कंपनी है वो बंद हो गई है, उस वजह से जो है वो आपका केवाईसी अप्रूव नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपके सारे जो डॉक्यूमेंट है एक एप्लीकेशन के साथ जो है वो आपको आपका जो पीएफ का अकाउंट है उस पीएफ के ऑफिस में सबमिट करना है, जिसके साथ आपको जो है वो एक एप्लीकेशन लिखना है, उसमें आपका पीएफ नंबर और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये जो इन्फॉर्मेशन है
वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, और उसके साथ जो है वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, तो ये सारे डिटेल जो है वो उस एप्लीकेशन के साथ आपको वहाँ पे सबमिट करनी है। पीएफ ऑफिस वाले जो है वो आपका केवाईसी आपके यूएएन के साथ जो है वो रजिस्टर करवा के देंगे। तो ये एक मेथड हो गया। तो ये सब करने के बाद भी अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपकी केंडिंग केवाईसी जो है वो अप्रूव नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आप जो है वो एक पीएफ ऑफिस के ज़रिए आपके एम्प्लॉयर को एक इंटीमेशन भेज सकते हैं। तो इसके लिए आपको पीएफ का जो ग्रीवियंस पोर्टल होता है वहाँ पे एक पेंडिंग केवाईसी से रिलेटेड आपका ये जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पे आपको बताना है, और आपको ये बताना है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपकी पेंडिंग केवाईसी बहुत दिनों से जो है वो अप्रूव कर नहीं रहा है। तो पीएफ ऑफिस जो है वो उनको एक इंटीमेशन भेज सकता है, इसके ऊपर फिर आपका जो केवाईसी है वो अप्रूव हो सकता है। पर दोस्तों ये जो ऑप्शन है मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा नहीं कि ग्रीवेंस जो है वो इस केस में कैसे रजिस्टर करवाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ग्रीवेंस फाइल करना चाहिए, पीएफ ऑफिस जो है वो आपके एम्प्लॉयर को जो है वो इंटीमेशन भेजे, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे बताइए, फिर मैं आपको एक अलग से वीडियो उसके ऊपर बना के दिखाऊंगा कि आपको जो है वो ग्रीवियंस फाइल कैसे करना है। तो बस दोस्तों यही मुझे आपको इस वीडियो में बताना था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और जिनके साथ मैंने ये वीडियो शेयर करने के लिए कहे हैं तो आप उनके साथ शेयर कीजिए ताकि आपका जो केवाईसी है वो अप्रूव हो सके। तो बस दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद जो बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं, और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।